दोस्तों ये कहानी है भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल ब्रिज की, जहां पे हुए हादसे में कोई ना बच सका। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, जिसे हम पाम्बन के नाम से जानते हैं। ये रेल ब्रिज रामेश्वरम को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। ब्रिज की जो कुल लंबाई है ये लगभग 2.65 किलोमीटर की है। ये भारत में ऐसा पहला रेल हादसा था जहां पूरी की पूरी ट्रेन ही बह गई थी और कोई भी यात्री, कोई भी रेलवे का कर्मचारी नहीं बचा था। सबसे पहले जान लेते हैं कि पाम्बन का ये ब्रिज है कहां पर। ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम लोग इसमें तमिलनाडु राज्य की ओर बढ़ें तो आप लोग देख पाओगे कि समुद्र के काफ़ी करीब अगर कोने तरफ जाएं तो आपको मंडपम नाम की जगह देखने को मिलेगी। यहाँ बगल में श्रीलंका भी है, लेकिन और करीब पहुँचे तो आपको रामेश्वरम आइलैंड देखने को मिलेगा। और ये रहा इंडिया की ओर का जो सबसे कोने वाला हिस्सा, जिसे हम मंडपम नाम से जानते हैं, और जो बीच का जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है समुद्र। और रामेश्वरम से इंडिया को जोड़ने के लिए पाम्बन ब्रिज बनाया गया है, और सबसे कोने में ये जो हिस्सा है ये है धनुषकोडी। यहाँ से श्रीलंका बहुत ही करीब है। मान्यता तो ये भी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने लंका जाने के लिए धनुषकोडी से ही पैदल पुल बनाया था। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये पाम्बन का रेल ब्रिज बहुत ही खतरनाक और विशालकाय है। बात है 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान सागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर होने लगी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुका था, जो लहरों की ऊंचाई है लगभग 8 yards तक पहुंचने लगी थी। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था, और ऐसे में जो स्थिति थी रामेश्वरम की बिगड़ती चली जा रही थी। ट्रेन नंबर 653 जो कि एक मीटर गेज पैसेंजर थी, वो मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, पर सिग्नल में खराबी के कारण और मौसम खराब होने के कारण हमारे जो लोको पायलट हैं उन्होंने ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया। जब काफ़ी देर तक उन्हें सिग्नल में कोई रिस्पांस ना मिला, 2.5 घंटा उनके ऐसे ही बीत चुके थे, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे की ओर बढ़ा दिया। और वहां धनुषकोडी में एक स्टीमर इंतजार कर रहा था कि कब यात्री यहां पहुंचेंगे और वो उन्हें लेकर के श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। जब ट्रेन पाम्बन के खूबसूरत ब्रिज पर थी, तब ट्रेन में एक ऐसी लहर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से है, पर कई ऐसे यात्री भी जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, किसी को नहीं मिले। यहाँ तक पाम्बन का जो मजबूत रेल ब्रिज है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, और धनुषकोडी तो मानो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं बचा था, पटरियां सब उखड़ चुकी थी। और इतने बड़े रेल हादसे के बाद धनुषकोडी को सरकार द्वारा अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया। हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेनें अब केवल रामेश्वरम स्टेशन तक ही जाती हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि रेलवे का नया अप्रूवल आ चुका है, जिसमें रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रेल लाइन का निर्माण फिर से किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग रामेश्वरम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने स्टेशन को रिव्यू किया है और आप वहाँ पे स्टेशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और हादसे के बारे में जानना चाहते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो वीडियो भी जल्दी मैं आप लोग के सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।